नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूं कि अपन किस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वक्रांगी केंद्र को और बढ़िया बना सकते हैं और उसे अपने फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी की किस तरह से इनकम और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना चाहिए अपने को कि आजकल पूरा डिसरप्शन का जमाना है, बहुत टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, फिजिकल करेंसी डिजिटल करेंसी की ओर जा रही है, बैंकों का मर्जर्स हो रहा है, अभी ऑलरेडी 12 बैंक हो गए हैं और 26 बैंकों से होके अभी आगे जाके भविष्य में सरकार का प्लान खाली 5 बैंक बनाने का है, पीएसयू बैंक का, तो काफी नेशनलाइज बैंक मर्जर्स और होंगे। लास्ट 2 साल में 4,500 ब्रांचेस कम हो चुकी है, आगे जाके अभी आप समझिए कि जब 12 बैंक 5 बैंक में मर्जर होंगे तो और जाके बैंक ब्रांचेस उस मर्जर की वजह से और बैंक ब्रांचेस कम हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी आगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट करके एक कंसेप्ट बनाई है जिसके अंदर की हर ग्राम पंचायत में या हर वार्ड के अंदर डीबी यूनिट बने, जहां पे कि ओनली एक वन मैन ब्रांच टाइप की या डिजिटली वहां पे यूनिट हो और वहां पे सिटीजन्स को सारी सुविधाएं दे सके। तो वक्रांगी हमेशा भविष्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाती है कि अपना मॉडल जो है इस तरह का बना रहे कि वो समय के हिसाब से प्रासंगिक बना रहे। तो उसमें समय समय पे अपन चाहे वो डिजाइन का हो चाहे सर्विसेज का हो, अपन ने हमेशा उसके अंदर बदलाव लाते रहे हैं। तो इस हिसाब से देखते हुए वक्रांगी ने भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट का ध्यान में रखते हुए अपने एक डिजाइन मैनुअल के अंदर और वक्रांगी के डिजाइन लुक एंड फील के अंदर उसने बदलाव किया है कि जिससे कि एक जो बैंक बीसी पॉइंट जो है वो एक्सक्लूसिव बीसी पॉइंट बने और वो जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो खाली बैंक ऑफ इंडिया के लिए ही काम करे, वहां पे खाली बैंक ऑफ इंडिया की ही सुविधाएं रहे, उसी के प्रोडक्ट रहे और बाकी अदर सर्विसेज के लिए पास में दूसरी दूसरा जो सेपरेट किया हुआ अलग से दुकान है जिसमें कि वहां पे जहाँ पे वक्रांगी केंद्र विद एटीएम है वहां पे एटीएम रहे और एटीएम के अलावा अदर सुविधाएं रहे। अदर सुविधाएं भी अभी वक्रांगी ने काफी बड़ी बड़ी सुविधाएं इंट्रोड्यूस की है कि जैसे कि इसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड काफी नई चीजें ऐड की है और अभी अपन ने रिफैब्रिकेटेड सेकेंड हैंड मोबाइल्स को भी लॉन्च किया है और अभी इस अगले वीक के अंदर 80 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और लॉन्च कर रहे हैं। अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपना ट्रायल रन कर रहे हैं अभी अपन कि वक्रांगी का इंडिविजुअल अमेजोन की तरह गुड्स का एंड सर्विसेज का पोर्टल हो। तो अभी अपन चाहते हैं कि सब काम एक दुकान के तहत अपने धीरे धीरे करके ई कॉमर्स से रिलेटेड भी प्रोडक्ट अपने रहे, लेकिन सारे पार्टनर्स का इसमें इस तरह से ध्यान रखना है कि एटीएम का बाकी चीजों से कंफ्लिक्ट नहीं हो, जो आरबीआई रेगुलेटेड है तो आरबीआई के हिसाब से अपन को काम करना है। उसी तरह से पीएसयू बैंक के जो बैंकिंग यूनिट्स हैं बीसी पॉइंट्स हैं उसके अंदर उनके जो कानून हैं उनके हिसाब से जो अपन ने एग्रीमेंट किए हुए हैं तो किस तरह से वो विद इन फोर कॉर्नर ऑफ द लॉ के पार्टनर्स के हिसाब से अपन काम करें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपन ने इस वक्रांगी केंद्र के डिजाइन मैनुअल में चेंज किया है और मैंने काफी इसकी पॉलिसीज देखी है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की क्या उनकी आगे जाके विजन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो विजन डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी जैसे 50 डिस्ट्रिक्ट को डिजिटल बैंकिंग यूनिट करके अनाउंस किया है, इस बजट में भी काफी इन सब चीजों पे ध्यान रखा गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन ने इस मॉडल को डिजाइन किया है और सबसे पहले अपन ने कोशिश की है कि एक बैंक को अपन आदर्श के रूप में बनावे, सबसे पहले एक बैंक लेवे और इस बैंक को लेके अपन किस तरह से करके इसके जो सारे यूनिट्स हैं वो पूरा इसको अकॉर्डिंग टू डिजाइन मैनुअल के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं और उसके अंदर इन सबकी इनकम अपन किस तरह से बहुत बढ़िया इनकम कर दें जिससे कि फ्रेंचाइजी की और मास्टर फ्रेंचाइजी की इनकम हैंडसम हो। तो उसके लिए सबसे पहले वक्रांगी ने मैनेजमेंट ने काफी डिस्कशन किया, काफी पार्टनर से बात किया, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से बात किया, आरबीआई में और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब चीजों को समझ के अपन ने सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का को अपन ने डिसाइड किया कि इसको अपन एक मॉडल बैंकिंग करके इसको अपन सही करेंगे। तो इसके अंदर अपन आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो डीबीयू क्लासिफिकेशन के अंदर वक्रांगी, देखिए आप कोई भी इंडिया में जो कंपनी है जो इस तरह की सर्विसेज दे रही है कोई भी इस तरह का इतना आगे नहीं सोच रही है। वक्रांगी ने सबसे पहले
डिजिटल बैंकिंग यूनिट के अंदर सोचा है कि किस तरह से वक्रांगी की सारी आउटलेट जो इसमें के अंदर आ सकती है। वक्रांगी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द फर्स्ट कॉर्पोरेट बीसी टू गेट इट्स आउटलेट क्लासिफाइड एज डीपीयू यूनिट। तो इसके अंदर दो अपने मॉडल है, वक्रांगी केंद्र विद एटीएम है, वक्रांगी केंद्र विदाउट एटीएम है। तो विदाउट एटीएम किस तरह से बन सकता है, इसके अंदर सिंपल सा है, खाली आपका बैंकिंग यूनिट है उसको एक्सक्लूसिव बैंकिंग यूनिट बनाना है। आप देखिए कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी इस तरह से काम किया है, इस तरह से बनाया, तो उसके उसके उसका उसको फ्रेंचाइजी को काफी इस चीज का बेनिफिट मिला है। दूसरा, अभी बैंक ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किया है कि अभी इसके बैंक ऑफ इंडिया के पूरे इंडिया के अंदर 30,000 बीसी पॉइंट्स हैं। इन्होंने इस पर डिसाइड किया है कि इसको इनको इमिडिएटली 30,000 और ऐड करना है, तो इनको 60,000 टोटल बीसी पॉइंट बनाना है। तो इसमें हमने रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से करके अपन को 5,000 एडिशनल बीसी पॉइंट कैसे मिल सकता है। बैंक काफी अग्रेसिव है, काफी अच्छा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, काफी सपोर्टिव बैंक है। तो इसके अंदर अपन ने सोचा है कि अपन न्यू बीसी पॉइंट 5,000 को जो है, वक्रांगी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एड 5,000 न्यू बैंक ऑफ इंडिया बीसी पॉइंट एज द बैंक हैज बीन गिवन टारगेट बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंक्रीज बीसी पॉइंट बाय 50,000। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जो बैंक के अंदर, अभी बैंक बीसी जिन लोगों ने सेपरेट बैंकिंग बीसी पॉइंट बनाया है, तो ये मैं उसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने अभी काफी ऐसे 5 सेलेक्टेड एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जो जो जिन्होंने 1,00,000 के ऊपर कमाया है। तो आप देखेंगे तो सविता गणेश है, उसने 1,64,286 रुपए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बैंकिंग सर्विस से एक मंथ के अंदर कमाया है। राजेश्वरी एसएस ने 1,24,936 रुपया चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से बैंकिंग सर्विस से कमाया है। राहुल सिंह ने 1,05,740 रुपया कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में कमाया है। श्रवण अली जो है उसने 1,05,716 रुपए बैंकिंग सर्विस से एक महीने के अंदर रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कमाया है। तो आप देखिए कि 1,00,000 रुपए के ऊपर एक बैंकिंग बीसी यूनिट का कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये जब ये 5,000 कमा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मैंने आपको खाली सेलेक्टेड एग्जाम्पल दिए हैं। तो क्या अपन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इन सबकी केस स्टडी को समझ के, क्या अपन सबके अंदर अपन एक पायलट बैंक को डिसाइड करके, इनके सारे बीसी पॉइंट को ठीक करके, क्या अपन 1,00,000 रुपए के ऊपर की इनकम की अपॉर्चुनिटी को इनकेस कर सकते हैं। इसके लिए अभी सब चीजों को डिजिटल बैंकिंग यूनिट की को यूज करने के लिए, आप 5,000 बीसी पॉइंट लेने के लिए और अपने 1,00,000 रुपए की इनकम बनाने के लिए डेफिनेटली अपन को कुछ न कुछ एक्शन पॉइंट रहेंगे जो अपन को काम करने की वजह से, जिसकी वजह से अपन उस इनकम में और उस चीज में इसको पहुंच सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि जो भी बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पॉइंट है वो 100% बीसी पॉइंट एक्टिव होना चाहिए। तो एक्टिव की जो मैंने इन बैंक से समझा है, तो इन लोगों को जो समझने के बाद जो मेरे को समझ में आया है, उसके हिसाब से अपन ने एक्टिवनेस के पैरामीटर बनाए हैं। एक तो है कि वो गेट एग्जिस्टिंग बीसी पॉइंट एक्टिवेटेड विद द फॉलोइंग पैरामीटर। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि 25 न्यू बैंक अकाउंट एक मंथ में खोले वो। दूसरा, 25 ट्रिपल एस की स्कीम एक मंथ में मिनिमम एनरोल करे, मिनिमम बेचे। तीसरा, फ्रेंचाइजी का जो कमीशन है वो 10,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका कमीशन 10,000 से ज्यादा होगा तो ही उसके बैंकिंग ट्रांजेक्शन होंगे, ये सब चीजें हैं। दूसरा, उसके अंदर उसको ध्यान देना चाहिए कि आगे जाके जिस तरह से फिजिकल करेंसी डिजिटल की ओर जा रही है, तो इस यूनिट के अंदर हम किस तरह से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो एक तो इसमें ये रहेगा कि अपना बैंकिंग बीसी पॉइंट जो है पूरा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वाइबल है। क्यों वाइबल है? क्यों? अपने पास खाली बैंकिंग बीसी यूनिट नहीं है, अपने पास एटीएम का भी सुविधा है, दूसरे पास की आउटलेट में ई कॉमर्स भी है, अपने यहाँ सब कुछ है, सब काम एक दुकान में सब कुछ सर्विसेज है। तो अपने यहाँ कई आगे जाके डिजिटल होने के बाद कोई सर्विसेज से मान लो कोई इनकम कम होती है तो भी अपने पास दूसरी इनकम जो है उसको कंपनसेट करके उस दुकान की इनकम को बढ़ाई जा सकती है। अभी बैंकिंग के अंदर देखेंगे तो काफी बीसी पॉइंट में खाली एईपीएस होता है, तो खाली विड्रॉल होता है, अपने यहाँ एईपीएस नहीं है, अपने यहाँ पूरा ब्रांच एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, अपन डिजिटल बैंकिंग यूनिट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सब तरह का बैंक का एसेट्स और लाइबिलिटीज की सारी सुविधा रहेगी। एसेट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे सारी तरह के बैंकिंग लोन्स रहेंगे, बैंक की रिकवरी का, एनपीए का रिकवरी का रहेगा, उसी तरह से
आपका फिक्स डिपॉजिट आरडी वगैरह सारी सब तरह की जो बैंक की सुविधा होती है वो सब सुविधा अपने यहाँ रहेगी। तो अपने यहाँ खाली कैश का ट्रांजेक्शन ही नहीं है, अपन जब जिस मोमेंट पे वो इमीडिएट डिजिटल बैंकिंग यूनिट बन जाएगी उस वक्त आगे जाके अपन कोशिश करें कि डीबीयू बन के आपको पर मंथ बैंक आपको कुछ देवे, और उसके लिए डेफिनेटली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो पैरामीटर अपन फुलफिल करेंगे। उसी तरह से वहां पे अगर एटीएम है तो एटीएम को अपन इस तरह से बनाना चाहते हैं कि जिससे कि बैंक ऑफ इंडिया को भी उनके रूल्स की एग्रीमेंट के तहत रहे और आरबीआई के भी तहत रहे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक गेट एग्जिस्टिंग एटीएम एक्टिवेटेड विद द फॉलोइंग पैरामीटर, तो 750 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए मंथ उसके अंदर होना चाहिए। तो कुल मिला के बीसी पॉइंट को फ्रेंचाइजी एक्टिवेशन का बैंकिंग बीसी पॉइंट के चार पैरामीटर है। मिनिमम अकाउंट ओपन 25 होना चाहिए, मिनिमम ट्रिपल एस स्कीम्स के 25 प्लान इनरोल होना चाहिए, मिनिमम बैंकिंग कमीशन 10,000 के ऊपर होना चाहिए, मिनिमम एटीएम कमीशन फाइनेंशियल कमीशन ट्रांजेक्शन जो है 750 होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी डिजाइन, अभी बैंक चाहती है कि उसकी डिजाइन ऐसी एक्सक्लूसिव होना चाहिए बैंक बीसी पॉइंट की कि वहां पे उस बैंक के अलावा, वहां बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे उसके पोस्टर्स भी हो, चाहे प्रोडक्ट भी जो भी हो। तो जो भी प्रोडक्ट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट हैं वो सारे खाली वही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उसको अपन ने इस नई डिजाइन में इस तरह से किया है कि उसका एक्सक्लूसिव बीसी पॉइंट जो है वो बिल्कुल 100% बैंक ऑफ इंडिया का ही रहेगा। तो फ्रेंचाइजी टू रीडिजाइन द आउटलेट एज पर केडीबी डिजाइन मैनुअल, तो वक्रांगी केंद्र विदाउट एटीएम भी अपन ने बनाया है, उसका डिजाइन किया है, वक्रांगी केंद्र विद एटीएम भी बनाया है। देखिए हार्डली इसमें बहुत कम पैसा खर्च होता है रीडिजाइन करने में, लेकिन आप बैंक से कंप्लाइंट हो जाते हैं, आप आरबीआई से कंप्लाइंट हो जाते हैं, एंड आपका इनकम बढ़ जाता है। जब आप एक्सक्लूसिव पर्सन आप खाली बैंक का ही काम करेंगे तो आपका, देखा आपने जो 5 आदमियों का मैंने एग्जाम्पल बताया, 1,00,000 रुपए के ऊपर इनकम रहती है, इसमें 25,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए की रेंज में बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है एक बैंकिंग यूनिट के अंदर। दूसरा, अभी अपन को ये एक सैंपल के रूप में लिया है बैंक में, अपन बैंक में जाके बताना चाहते हैं और ये पूरा शोकेस करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, आरबीआई में। तो इसका अपन एक तरह से पूरी केस स्टडी बना रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो उसके अंदर अपन को सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर चाहिए कि गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्रांच मैनेजर दैट द बीसी पॉइंट इज वर्किंग एक्सक्लूसिवली एंड व्हाइट लेवल एटीएम इज नॉट प्रेजेंट इन द बीसी पॉइंट प्रीमाइसेस। तो ये अपन को उनको बताना ताकि उनकी कंप्लायंस के अंदर रहे और उसकी पूरी केस स्टडी बना के अपन फर्दर जो 3,000 से 5,000 बीसी पॉइंट एडिशनल बैंक ऑफ इंडिया के लेना चाहते हैं वो अपन ले पाए। दोस केसेस टू बी फोकस फर्स्ट वेयर बीसी पॉइंट एंड एटीएम इज अर्निंग कमीशन। कुछ ऐसी आउटलेट्स है, कुछ 600 करीबन बीसी पॉइंट अपन पास बैंक ऑफ इंडिया के, उसमें से सर्टेन पॉइंट 80+ कुछ ऐसे फ्रेंचाइजी है जहां पे बीसी पॉइंट भी है और एटीएम भी है। तो उनको सबसे पहले टारगेट करना है, फिर सेकेंड लेवल पर अपन को टारगेट करना है कि जहां पे एटीएम है बीसी पॉइंट है। तो इस तरह से करके अपन को बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा मैटर नहीं, खाली 600 समथिंग अपने आउटलेट्स हैं, इनको अगर अपन ठीक कर लेते हैं तो अपन एक तरह से एक नए जोन में, नए एडवांस जो कि जहाँ पे भविष्य का इंडिया जा रहा है, जहाँ पे फिनेंशियल फिनटेक कंपनियां जा रही है, उसके अंदर अपन सबसे अग्रणी कंपनियों में रहेंगे। फिर चौथा अपना एक्शन पॉइंट है फोटोज विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। फिर ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको उसके फोटो भेजना है और फोटो भेज के उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ में देना है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का आप डेटा देखें तो अपने स्टेट वाइज देखें तो 20 स्टेट के अंदर 638 टोटल बीसी है अपने पास। 638 बीसी के अंदर बीसी विदाउट एटीएम कुछ 380 बीसी तो ऐसे हैं जिनके अंदर खाली आपका बीसी पॉइंट है 380 के अंदर। तो इनको अपन को ठीक ये करना है कि जो अपन ने एक्टिवेशन की डेफिनेशन है वो सारा 100% बीसी पॉइंट एक्टिव होना चाहिए, और उसकी जो केडीबी की डिजाइन है अपने पास वक्रांगी केंद्र विदाउट एटीएम वाले की जो डिजाइन है वो डिजाइन को अपन को इम्प्लीमेंट करके सब उनको उनके हिसाब से इंकॉर्पोरेट करना है। तो उसके जो एक्टिव की जैसी डेफिनेशन है उसकी डिजाइन वैसी होना चाहिए। 25 बैंक अकाउंट खोलना है अपन को, 25 ट्रिपल एस की स्कीम बेचनी है और 10,000 के ऊपर उसकी इनकम होना चाहिए। अगर आप इस डेटा को देखेंगे, 380 के डेटा को देखेंगे तो आप देखेंगे तो इसमें जो है 25,000 से 50,000 रुपए का कमीशन कमाने वाले लोग भी हैं, 5 आदमी इसमें भी है। बाकी बैंकों के अंदर 1,00,000 रुपए के ऊपर के लोग भी हैं जिन्होंने डिजिटल बैंकिंग यूनिट के हिसाब से बैंकिंग यूनिट को एक्सक्लूसिव कर दिया है। तो अभी अपना टारगेट रहेगा फरवरी महीने के अंदर
कि अपन पूरी 638 बीसी पॉइंट को, जो बीसी उसमें से जो 380 है बैंकिंग बीसी जो है जो विदाउट एटीएम है, उनको केडीबी डिजाइन के साथ उनको एक्टिव की डेफिनेशन में अपन को लाना है। तो ये अपन को सबसे पहले काम है। अब उसमें से देखिए आप, उसमें 203 जने ऐसे हैं जिनकी कमीशन की इनकम ही जीरो है, 149 ऐसे हैं जिनकी 10,000 रुपए से नीचे है। तो इन सबको सबसे पहले टारगेट करना है, कोशिश करना है कि ये पूरे एक्टिव हो। अगर इसमें से मान लो बाई चांस कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिव होना ही नहीं चाहते, जो संभव ही नहीं है, तो उनको अपन को रिप्लेस करना है। लेकिन इसके अंदर इन सबको 380 लोगों को सबको एक्टिवेशन की डेफिनेशन पे लेके आना है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 258 अपने पास आउटलेट ऐसी हैं जहां पे बैंकिंग बीसी भी है और एटीएम भी है। तो इनको अपन को सबको अर्लीस्ट वे में, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं मैक्सिमम बैंक ऑफ इंडिया का अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन को इनको प्रोसेस पूरा करना है, जिसके अंदर की सर्टिफिकेट लेना और फोटोग्राफ भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भेज के अपन इसको सही करना है। तो 258 को सबको, 258 को भी बैंकिंग बीसी के हिसाब से उनका जो बीसी की एक्टिव की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पूरी करनी है, और एटीएम की जो डेफिनेशन है वो एटीएम की डेफिनेशन पूरी करनी है। उसके बाद फिर इसमें कॉलम नंबर 14 है, जो 84 आउटलेट्स हैं जिसके अंदर अपन रेगुलर सबको कमीशन जा रहा है, तो इनको सबसे पहले पूरा करना है। ये डेटा आपके साथ सबके साथ शेयर होगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक मिशन मोड के रूप में लेके एडिशनल प्रोजेक्ट ले, ये जो काम कर रहे हैं अपन वही काम कर रहे हैं जो अपन ने विजन 23 डिक्लेयर की हुई है, और जून का अपन ने जो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया जून तक क्या करना है, ये उसी का ही सबसेट है कि अपन एक बैंक को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं कि 638 आउटलेट आपकी परफेक्ट हो जाती है। तो इसमें 638 मतलब 638 अगर किसी कारण से कोई एक आउटलेट में भी प्रॉब्लम है तो उसको अपन को सही करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि ये डेटा मैंने सब जगह शेयर किया हुआ है। इसकी पूरी केस हिस्ट्री बता के मैं DFS को, RBI को और बैंक को, बैंक HO को, सबको करके अपन इसके अंदर एक मिराकल करना चाहते हैं, एक केस हिस्ट्री को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। जब एक ये सक्सेसफुल हो जाती है तो अपना बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाती है। एक DB यूनिट की ओर अपन जा रहे हैं, जो बैंकिंग के अंदर अभी जो डिजिटल एरा आ रहा है पैसे के अंदर, उससे अपन पूरा एड्रेस करके बहुत इनकम बढ़ा लेते हैं, और इसके अंदर अपन आगे जाके जो है दूसरी बैंकों के अंदर भी कैश हिस्ट्री बना के अपन इंडिया के अंदर एक फिनटेक, सबसे बड़ी फिनटेक सप्लायर कंपनी बन, फिनटेक कंपनी बनेगी इसके अंदर। अपने फिनटेक के साथ साथ अपन ई कॉमर्स में भी हैं, तो लेकिन अपन चाहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी वो करांगी रहे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मास्टर फ्रेंचाइजी भाइयों से, FRM से, स्टेट हेड से और फ्रेंचाइजी से कि वक्रांगी के साथ अच्छी तरह से मन लगा के आत्मा से जुड़ के इस काम को जल्दी से जल्दी करें और अपन एक मिराकल करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।